बना बना ये जिसका हाँ अरे प्रथम बारिश बाहर तूफान आया है चल चल बगीचे में आम गिरोगे नीचे ला दें हमारे बच्चों को संकुचित कर दिया है।
वो ना नेचुरली कुछ सोच पाते हैं और ना ही सोशली इतने कैपेबल हैं कि कुछ बता पाए. हमारी इन्हीं डिजिटल टेक्नोलॉजी यूसेज की वजह से आज बच्चों को नेचुरल दुनिया के बारे में कोई खबर नहीं है. हमने खुद ही अपने बच्चों को डिजिटल टेक्नोलॉजी की हाथों की कठपुतली बनाने पर मजबूर कर दिया है. कौन कहता है कि नहीं आती बचपन की वो बारिश? कौन कहता है नहीं आती वो बचपन की बारिश? शायद तुमने कागज की वो कश्ती बनाना छोड़ दिया है. हम में से अधिकांश लोगों का बचपन गिल्ली डंडा या फुटबॉल और ये कैरम खेलते हुए बिता बीता हो, लेकिन आज उन खेलों की जगह ले ली है वीडियो गेम, टीवी ने, फोन ने. जिन खेलों से हमें शारीरिक और मानसिक सुख मिला करता था, अब टीवी और फोन की वजह से वही सुस्ती में बदल चुका है. हमें जरूरत है जागरूकता फैलाने की उन बच्चों के लिए जो ऐसा खेल के अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं. स्वामी विवेकानंद का एक कथन तो आपको याद ही होगा कि फुटबॉल खेल के ही हम स्वर्ग तक ज्यादा पहुंच सकते हैं या कि गीता का अध्ययन करें. इसलिए बोझ के तले किताबों के न दबाए बच्चों को और मैदान में खेलने के लिए भेजें. बताओ